हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सिक्स मैथ्स एक्सरसाइज 2.2 जो आपकी चल रही थी उसका क्वेश्चन नंबर थर्ड है। आपका थर्ड और फिफ्थ ये तीन क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं आज। इनको अच्छे से समझ लेना, उसके बाद में आप सॉल्व करना। ओके, क्वेश्चन है आपका फाइंड द प्रोडक्ट बाय सूटेबल अरेंजमेंट। जैसे कि आपको नाम से पता चला है, सूटेबल का मतलब क्या है? सूटेबल मीन्स जो सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाए, सूटेबल। तो फर्स्ट पार्ट है आपका 4 into 25, 252 into 25। ओके, 4 and 25 इन दोनों को हम ले रहे हैं एक साथ, 4 into 25 इसको भी अरेंज कर दिया into 252 अरेंज कर लिया। अब क्या करना है, 4 into 25 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ये बन जाएगा आपका 100 into 252। ओके, नाउ अब आपका ये बहुत सिंपल इजी हो जाएगा। 20 आपके साथ है और मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 252 00 ये आपका आंसर। ओके, तो सूटेबल मीन्स ऐसा अरेंजमेंट जिससे कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल सिंपली सिंपल मेथड से सॉल्व हो जाए। आपका सेकंड पार्ट है इसको आप खुद से कर लेना। ओके, ये आपका ऐसा समझ लो जैसा होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फाइंड 764 into 189 माइनस 764 into 179। इसको हम इधर सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, 764 into 189 माइनस 764 into 179। सबसे पहले चेक करो, 764 इधर भी है, 764 इधर भी है, दोनों साइड में 764 है। हम क्या करेंगे, एज अ कॉमन यूज करेंगे इसको, 764 ब्रैकेट 189 माइनस 179। ओके, नाउ 764 ब्रैकेट के अंदर भी हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले व्हाट वाज में किया था, ब्रैकेट आता है तो 189 में से 179 को माइनस करोगे तो ये आपका रह जाएगा 10। नाउ मल्टीप्लाई बाय 764 तो ये आपका आंसर इज नॉट 7640। ओके, इट्स योर आंसर। ये आपकी होगी कौन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेम, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फाइंड 932 into 64 plus 932 into 36। ओके, इसको आप खुद से सॉल्व कर लेना, चलो हम कराई दे रहे हैं। नेक्स्ट दो क्वेश्चन आपको अपनी तरफ से हम दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए। यह आपका क्वेश्चन है 932 into 64 plus 932 multiplied 36। नाउ 932 932 दोनों साइड में है, प्लस का साइन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, प्लस के साइड लेफ्ट साइड में आपको 932 है, प्लस के राइट साइड में 932 है। इसको एज अ कॉमन हम यूज करेंगे, 932 ब्रैकेट 64 plus 36। ओके, नाउ 932 मल्टीप्लाई व्हेन वी गेट 64 into 36 यू गेट 100। ओके, नाउ मल्टीप्लाई 100 932 00 इट्स योर आंसर। तो आपके जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो इस टाइप से आप सॉल्व करोगे। आपके पास क्वेश्चन इसमें बुक में तो है नहीं ऑप्शनल, हम अपनी तरफ से दे रहे हैं, हमको आपको सॉल्व करना है। ओके, नोट कर लेना। और ये आपको क्वेश्चन फेयर नोट में भी सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए 325 मल्टीप्लाई 106 प्लस माइनस कर दो, माइनस 325 6। ओके, ये आपका जैसा क्वेश्चन फोर था वैसा आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है 324 into 96 plus 324 into 4। ओके, ये आपका जैसा क्वेश्चन फाइव था बिल्कुल सेम उसी टाइप से आपको सॉल्व करना है। ओके, तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये आपका एज ए होमवर्क है। ओके, थैंक्स एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।